हेलो नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों पर भारी बरसात और बिजली गिरने के साथ उतार चढ़ाव जारी और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बदलने के आसार है। तो कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम? लोहरदगा, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावा, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं झारखंड के विभिन्न इलाकों पर भारी बरसात हो रही है, अच्छी बरसात हो रही है। राज्य के कई इलाकों पर धान की खेती के लिए बरसात काफी मददगार साबित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह मौसम ऐसा ही बना रहा तो 9 अगस्त तक राज्य में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बरसात जारी रहेगी और भारी मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा। आज दोस्तों, राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में कई इलाकों पर भारी बरसात के आसार है। राज्य के उत्तरी हिस्से जैसे कि गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में भारी बरसात होने की संभावना है। और साथ ही मौसम विभाग की माने तो यहां पर 10 तारीख तक दोस्तों जो है बरसात की गतिविधियों में इजाफा और मौसम ठंडा सोना रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव होने और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। साथ में यहाँ पर कुछ जिलों में दोस्तों भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल भी देखने को मिल सकती है और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। और यहाँ पर चतरा, पलामू, गढ़वा और यहाँ पर लातेहार सहित कई इलाकों पर बरसात की संभावना और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया गया बरसात को लेकर। और साथ में मौसम विशेषज्ञों की माने तो अनेक इलाकों पर हुई बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक भी बनी हुई, उतार चढ़ाव जारी और अलर्ट भी बताए जा रहे हैं। राज्य के कुछ जिलों में दोस्तों जो है अलर्ट जारी किया गया तो कुछ इलाकों पर भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों जो है अगले 9 तारीख तक आने वाले 2 से 4 दिन के दौरान 9 अगस्त तक दोस्तों बरसात की गतिविधियां जारी है। रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, कोडरमा आदि जिले शामिल है। इन जगहों पर मौसम में बदलाव होने और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में यहाँ पर मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर बादल छाए रहने और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली भी चमक सकती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड मौसम विशेषज्ञों की माने तो दोस्तों मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और सिमडेगा इन जगहों पर भारी बादलों की अवधि जारी रहने और मौसम में हलचल होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ अलर्ट जारी किया गया। साथ में यहाँ पर दोस्तों कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। बताया जा रहा है कि सिमडेगा, खूंटी और सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम इन जिलों में यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बरसात की गतिविधियों के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। साथ में मौसम विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर येलो अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, जामताड़ा, रांची, देवघर और दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज इन जिलों में दोस्तों जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो कुछ इलाकों पर मौसम में हलचल होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहाँ पर दोस्तों जो है मौसम विभाग की माने तो भारी बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली भी चमक सकती है, जो कि बताया जा रहा है कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो अनेक इलाकों पर जो है सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज इन जिलों में दोस्तों जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिजली चमक सकती है। भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार, यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे झारखंड के मौसम में हलचल है, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक भी देखने को मिल रही है। साथ में उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बादलों के अवजह भी काफी ज्यादा जगहों पर देखने को मिलेंगे। और झारखंड मौसम विशेषज्ञों की माने तो कल रात से कई जगहों पर हुई बरसात की गतिविधियों के साथ आज दोस्तों कई जगहों पर जो है बरसात हो रही है और आज सुबह से कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। यहाँ पर बोकारो समेत आसपास के इलाकों पर दोस्तों जो है मौसम बदला हुआ है। 12 अगस्त तक तापमान में कभी जो है कमी महसूस की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 12 अगस्त तक यहाँ पर तापमान में और ज़्यादा कमी होगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान 6.1 मिलीमीटर रांची में बरसात रिकॉर्ड की गई। सिमडेगा जिले में सबसे अधिक 50 मिलीमीटर बरसात हुई और गिरिडीह में 22.5 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर झारखंड में बरसात की गतिविधियों के साथ येलो अलर्ट और हाई अलर्ट जारी किया गया। बरसात होने और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होने के साथ बरसात की गतिविधियाँ जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। और पलामू के आसपास के इलाकों पर भी दोस्तों मौसम में बदलाव और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम बदलेगा। यहाँ पर परगना के संताल परगना के गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा में मध्यम स्तर की बरसात होने के साथ मौसम ठंडा सोना रहने और बादलों की वजह जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। दोस्तों एक एक जिले की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरे लोहरदगा में 23-24 रात के समय तो दिन में 26-27 पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। लातेहार में 25-26 रात के समय दिन में 27-28 दो दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर
अलर्ट है, मौसम ठंडा सोना रहेगा। कोडरमा में 25-26, रात के समय दिन में 26-27, दो दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर मौसम में परिवर्तन के साथ खूंटी में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। जामताड़ा में दोस्तों पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। तो कुछ इलाकों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहाँ पर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में मौसम में बदलाव है। 4 से 5 दिन पूरे 7 दिन तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट जताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुमला का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना और साथ में दोस्तों अनेक इलाकों पर भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। गोड्डा की बात करें तो रात के समय 27-28 तो दिन में 28-29, 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। गिरिडीह में 2 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। यहाँ पर गढ़वा की बात करें तो पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, मौसम ठंडा सोना, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, बरसात होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बिजली भी चमक सकती है और तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। दुमका में 27-28 रात के समय दिन में 28-29, 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होगी, बिजली चमकने और मौसम में अलर्ट होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में परिवर्तन और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिल सकती है। धनबाद की बात करें तो 26-27 रात के समय दिन में 28-29, पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होगी, बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात को लेकर अलर्ट और बिजली भी चमक सकती है। यहाँ पर देवघर की बात करें तो 26-27 रात के समय दिन में 27-28, 3 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। तो कई जगहों पर भारी से भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बोकारो की बात करें तो 26-27 रात के समय दिन में 28-29, पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होगी, बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट है। चतरा की बात करें तो 24-25 रात के समय दिन में 26-27, पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने के साथ अलर्ट है और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिमडेगा में पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे खरसावां में 3 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और यहाँ पर भी भारी बरसात होने और बिजली चमकने के साथ अलर्ट है। और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक रहेगी। वही दोस्तों यहाँ पर सरायकेला की बात करें तो 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक रहेगी। यहां पर बताया जा रहा है कि साहिबगंज में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। और विभिन्न इलाकों पर मौसम में हलचल, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां पर राजधानी रांची में 23-24 रात के समय दिन में 26-27 पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी, मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट है। तो कई जगहों पर भारी से भारी मौसम में ठंडक रहेगी। यहां पर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में 2 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। मौसम में परिवर्तन और तेज हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पलामू की बात करें तो 26-27 रात के समय दिन में 27-28 पूरे 7 दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां पर पाकुड़ की बात करें तो पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। तो ये दोस्तों ये था पूरे झारखंड का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप झारखंड में कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना।